मॉर्निंग बेबीज, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी उठ चुका है, देख रहा है वाला भी। और अभी कानू सो रहा है इधर, और प्रीति उठ गई है, वो चले गई है नीचे। और जीजा चला रहे हैं फोन बगल वाले बेड पे लेट के, और अभी और मैं भी लेटे हुए हैं। ये उठ गया मेरा कानू बेबी भी, ये अंगड़ाई लेते हुए मेरा बेबी। और ये बेबी रात भर नहीं सोया, इसने बहुत परेशान किया, रात भर रोने पे लगा था। हाँ मेरा बेबी, अबू देखो अबू, गुड मॉर्निंग। दांत दिख गए अबू के, दो दांत, चार दांत तो वो भैया अबू के, चार दांत। गुड मॉर्निंग। ओ गुड मॉर्निंग, ओए रे कसरत हो रही, कसरत। ओफो ओफो, बू बू बू। अभी किसके पास है? नानी के पास। गुड मॉर्निंग। उठ जा भाई, पोछा लगाने का टाइम हो गया तेरा। अभी तूने झाड़ू भी लगाना है, अभी वैक्यूम क्लीनर देखना है कि चल रहा है नहीं चल रहा है। भाई उठ, टाइम हो गया है भाई, 8:30 होने वाले हैं टाइम, और ये उठ नहीं रहा अभी तक। वैक्यूम क्लीनर हमने निकाल दिया, अब इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग अच्छे से। तो निकाल रहा है मेरा भाई पवन, पर अभी इसी से करेंगे ना, तो निकल रहा है ये। और ये रहा इसकी मशीन, पीछे का है, यहां से खोलने वाला भी है, वहां से निकालता है। बहुत भारी है यार, ये कचरा निकालेगा यहां से, कहां से इधर कचरा निकालेगा। अरे भाई पे दोनों उसके आगे से लगाने के हैं ये। क्या सब आगे से लगाने वाले हैं? हो गया अटैच, हो गया। हाँ तो ये पॉन कर रहा है, चेक कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यही है, हो चुका है अभी ऑन। तो ये पवन कर रहा है साफ, हो रहा है दादी, रहने दो उधर, इधर ये ना, इधर भी है कूड़ा। हाँ आया है ना, वो दिख रहा है ना कूड़ा कर रहा है, होगा ना ये रहना। तो वैक्यूम क्लीनर ठीक है, मतलब अच्छा है, कर रहा है काम, वो बेस्ट है। अब सफाई इसी से की जाएगी रोज रोज, मम्मी अब इसी से लगाएगी रोज झाड़ू का काम करेगा ये हमारे घर में। अब जो कि प्री ने लिया ये वाला, क्योंकि उसके पास ये वाला कलर नहीं था, बस तो इसलिए ये वाला कलर लिया है। तो अब आ गए हम घर, पर ये होंगे तैयार, अब जाएंगे फेरी। ये अभी सो गया है, थोड़ी देर बाद आते ही सो रहा है अभी। ये देखो हीलो तैयार हो गया, हीरो अभी देखो अभी। अरे हीलो चीची तेल है भाई, खाने के लिए नहीं है वो, देखो हीलो। ए हो गया चश्मा उश्मा पहन के तैयार, और लाल निकल रही, लाल टपक रही है भाई लाल अभी। और मेरा हिलो, ओ हिलो, ओ तेल दो, तेल दो उसको, तेल तेल की बोतल चाहिए उसको। अरे कानू बेबी भी तैयार एकदम, और हमारा अभी बेबी भी इधर तैयार। भाई कहाँ जा रहा है? पैसे मिल रहे हैं अभी को, पैसे अभी पकड़, मुंह से पकड़ रहा भाई, हर चीज खाने के लिए थोड़ी होती है। फोन पे भी उसकी नजर, यस पकड़ लिए पैसे। किसने दिए? नानी ने फिर ले, मामा ने ले लिए, मामा ने ले लिए भाई पैसे। अभी वो दे पैसे, जा चले क्या, जा चले क्या, जा नहीं आएगा वो लेने। तभी जा रहे हैं फेरी, फिर उसके बाद आएंगे वापस घर, तब जाएंगे मेरे ससुराल मुझे छोड़ने। बाय अभी, नोजी आ रही थी, नोजी आंसू भी है, नोजी भी बाय बाय बाय। हो गया नहीं, मम्मी चाहिए, मम्मी इसको पकड़ो। पति लोग चले गए हैं ठेरी, फिर वो लोग आएंगे थोड़ी देर में, फिर उसके बाद जाएंगे वो मुझे ससुराल छोड़ने के लिए, फिर मेरे ससुराल भी जाएंगे वो, क्योंकि पापा को भी मिलना है, पर उनको पापा को देखना है। और पापा, मेरे पापा तो सुबह ही चले गए थे ड्यूटी, क्योंकि पापा की ड्यूटी थी, तो इसलिए पापा सुबह ही निकल गए थे हमारे उठने से पहले ही।
तो अब मैं जाऊंगी अपने घर मतलब ससुराल, और अभी आ रहे हैं मम्मी प्रीति और वो छोड़ेंगे मुझे, क्योंकि वो भी मैं पापा लोगों को मिलेंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो बस आने वाले हैं, बस उनका वेट कर रही हूँ, नीचे आ गई हूँ मैं, तो आते हैं थोड़ी देर में फिर चलते हैं। और भाई सासू जी को भी आए हैं वो ठेरी से, क्योंकि अब वो सीधा हमारे यहीं से निकल जाएंगे रुद्रपुर के लिए, तो बस आने वाले होंगे। तो आ चुके हैं ये लोग, अब गाड़ी बैक करेंगे जीजा, फिर उसके बाद चलेंगे ससुराल। अब चलते हैं हम। सासू जी नमस्ते। नमस्ते हीरोनी। सासू जी नमस्ते। सासू जी नमस्ते। नमस्ते। फोटो खींच रही थी मेरी ना, ना वीडियो बना रही मैं यार। कहाँ जा रहे हो? कहाँ हो? अभी चल गए हैं घर से। मौसी नमस्ते। सासू जी अब निकल चुके हैं ये लोग घर से, अब जा रहे हैं रुद्रपुर। बाय अभी, बाय। तो अब मैं आ चुकी हूँ रूम में सोने के लिए, और ममता कर रही है पढ़ाई, और पापा मम्मी भी चले गए सोने के लिए, और चाचा जी भी जो देहरादून से आए हुए हैं, चाचा हमारे वो भी चले गए, तो कल सुबह चले जाएंगे क्योंकि उनको जाना है देहरादून। तो पहले वो काशीपुर वाली बुआ के वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे देहरादून, और तिलो भी चले गए जैसे कि आप लोगों ने देखा। अब शायद होली पे शायद मुश्किल आएंगे, उनका कन्फर्म नहीं, होली पे आते नहीं आते, तो अब शायद वो अप्रैल में ही आएंगे, क्योंकि अभी का बर्थडे है अप्रैल में, तो क्या पता आ भी सकते, क्या पता नहीं भी आ सकते, कुछ कंफर्म नहीं उनका। और ताने कितने ज़्यादा चमक रहे हैं ये, जो मच्छर में काट रखे हैं अभी, हो रहे हैं मच्छर, मई जून में तो इतने नहीं रहते, कम हो जाते हैं, पर अभी हैं फिलहाल, तो क्योंकि ऊपर छत का भी दरवाज़ा खुला रहता है, बाहर का भी दरवाज़ा खुला, कहीं बंद, फिर आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा चमक रहे हैं दाने मेरे, बिल्कुल ऐसे दूर से दिख रहा है, तो अब देखते हैं कब तक ठीक होते हैं दाने। वैसे भी लाल लाल हैं, वैसे दाने नहीं है पर रेड रेड से, वैसे दाने नहीं है, देख सकते हैं वैसे दाने नहीं है पर रेड रेड से हैं जीप से, तो इधर भी है और इधर भी है, इधर इधर वाले गाल पे भी, इधर इधर माथे पे भी है, तो पर इधर वाले गाल के कुछ ज़्यादा ही चमक रहे हैं। मैं थोड़ा करूँगी एडिटिंग, फिर उसके बाद करूँगी बिक्की से बात, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। यार दिन में भी नहीं सोई मैं और टाइम भी नहीं मिला जैसे कि मैंने बताया, और रात को तो अभी ने सोने ही नहीं दिया था कल रात, बस थोड़ी थोड़ी देर में लगा था उठने पे रोने पे, फिर इसको दूध बना बना के दे रही थी, तो रात भर ऐसे रहा, तो मेरे को नींद भी आ रही। तो मैं आपको मिलूंगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल, कमेंट करके बताएं कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट गाइस।